नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 600 लोगों की सुनी समस्या, फरियादियों को दिया भरोसा, कहा सबकी समस्या का समाधान है सरकार की प्राथमिकता। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। जटाशंकर गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी, कहा धर्म, संस्कृति व राष्ट्रीयता की रक्षा के प्रति आग्रही बनाती है सिख गुरुओं की परंपरा। गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए सीएम योगी, नौ दंपतियों को दिया आशीर्वाद, कहा बाल विवाह व दहेज कुप्रथा के खिलाफ ले संकल्प। सामूहिक विवाह योजना के जरिए प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक शादियां करा चुकी है सरकार। चली सामियाना में आज तोहरे चलते गोली, भोजपुरी सॉन्ग पर तमंचे पर डिस्को करना युवक को पड़ा महंगा। पिपराइज थाने की पुलिस ने युवक पर दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। हत्या करने वाली महिला सहित 3 अभियुक्तों सोनू गुप्ता, कमलेश गुप्ता एवं गीता देवी के ऊपर सहजनवा थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। आईएमए गोरखपुर के सचिव पद का चुनाव अगले आदेश तक हुआ स्थगित। आईएमए के सचिव डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने कहा बुधवार को आईएमए गोरखपुर की जनरल बॉडी मीटिंग के बाद चुनाव की तारीख की जाएगी घोषणा। जो राम को लाए हैं गाने से देश भर में लोकप्रिय गायक कन्हैयालाल मित्तल ने गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन, कहा राम और संत योगी के मिलन से लोकप्रिय हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना, राजनीति नहीं धर्म और संस्कृति से है मेरा सरोकार। आर्मी अग्निवीर स्पेशल ट्रेन चलाने पर पूर्वोत्तर रेलवे के 2 अधिकारी, उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक आलोक कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। कहा अग्निवीर भर्ती स्पेशल ट्रेन चलाने के अनुरोध पर पूर्वोत्तर रेलवे ने तत्काल सहजनवा से वाराणसी सिटी तक अग्निवीर के नाम से चलाई स्पेशल ट्रेन, हजारों प्रतियोगियों को मिली सहूलियत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबकी समस्याओं का समाधान कराना सरकार की प्राथमिकता है, किसी भी समस्या को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार हर समस्या का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएगी। सीएम योगी सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने करीब 600 लोगों की समस्याएं सुनी और सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर हाल में सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद गए। एक एक कर उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी, उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को जरूरी निर्देश के साथ संदर्भित किया। अधिकारियों से कहा कि सभी समस्याओं को त्वरित गति से इस प्रकार प्रभावी ढंग से निस्तारित करें जिससे फरियादी संतुष्ट हो सके और उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। इस दौरान किडनी से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए मदद की गुहार करने आए देवरिया की एक महिला से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। साथ ही कमिश्नर को निर्देशित किया कि महिला का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, साथ ही इलाज के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। एस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा। उन्होंने फरियादी महिला को आश्वस्त किया कि डायलिसिस के अलावा किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी सरकार सहायता राशि उपलब्ध कराए। जनता दर्शन में कई जिलों से फरियादी पहुंचे थे। इस दौरान महिला फरियादियों के साथ आए उनके बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार दुलार कर आशीर्वाद दिया। बच्चों को चॉकलेट देने के साथ ही उनकी माताओं को समझाया कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। चिंता कोई परेशान नहीं करें, वो भी आप आवेदन करें, श्रीनगर का मामला कार्रवाई करो। आप जाना चाहिए।
आवेदन करिए, आवेदन करिए उसमें जो निमंत्रण को जो क्या बात है। आप कहाँ से क्या है? कहाँ का मामला है? पास कहाँ है? क्या करना है इसमें? कहाँ का है ये? अभी कार्रवाई नहीं हुई, ये महाराजगंज का मामला है, बैठ के समाधान करना है। क्या है, क्या है बोलो? आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना चाहिए। कहाँ घर है आपका? देवरिया में। इसको देखेंगे कमिश्नर साहब, कार्ड नहीं है तो कार्ड बनवाओ, और नहीं तो एस्टिमेट वगैरह बनवा के करो, और पहले डायलिसिस की सुविधा, बाद में अगर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना चाहेंगे। करेगा मेडिकल कॉलेज में के साथ, अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ एम्स में तो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा ही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं की महान परंपरा हम सब के लिए प्रेरणादायी है। यह परंपरा हमें धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता की रक्षा के प्रति आग्रही बनाती है। इस परंपरा का अनुसरण कर हम देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी सोमवार सुबह जटाशंकर गुरुद्वारे में आयोजित नवम सिख गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान से आज अपना देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज गुरु तेग बहादुर का 347वां पावन शहीद दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को आक्रांताओं के क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। सीएम योगी ने कहा कि आज देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर हमें याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव महापुरुषों के त्याग और बलिदान की नींव पर प्राप्त हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव गुरु तेग बहादुर के बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का भी अवसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह हर भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ गुरु तेग बहादुर ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी। उनको यह आवाज, उनका बलिदान कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए थी। सीएम ने सबका आह्वान किया है कि हम सभी अपने पूर्वजों, पूज्य गुरुओं, पूज्य संतों और महापुरुषों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा प्रबंध समिति की तरफ से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व कृपाठ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुरुद्वारा जटाशंकर प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, रविंद्रपाल सिंह, कुलदीप सिंह, मंजीत भाटिया, दौलत राम, अशोक मल्होत्रा, हरप्रीत सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संचालन उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य सरदार जगनैन सिंह नीजू ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल एवं जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, Thank you.
भाई
कि आज के इस पावन शहीदी दिवस के अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह जी, सरदार जगनेन्द्र सिंह मिटू जी, सरदार रविंद्र पाल सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह मिटू जी, मंजीत भाटिया जी, दौलत राम जी, अशोक मल्होत्रा जी, हरप्रीत सिंह सेसानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर के उपस्थित महानुभाव, सिख पंथ के नौवें गुरु जिनके त्याग और बलिदान से भारत भारत के रूप में आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे, केवल कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था, तब औरंगजेब की उस क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी तो समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का एक बलिदान जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उस कालखंड में उठाई थी, आप अद्भुत समन्वय देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी को भी बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और दसवां गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। उस समय जब ये बात सामने आती है, गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं, जब नाना सा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु और इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान है। किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन है, और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज हम सब
एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सब के लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। उस कालखंड में जो त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप सिख गुरुओं ने छोड़ी थी, वही आज एक नई प्रेरणा हम सब के लिए बनी हुई है। और यही कारण है, आप सबने इस बात को देखा होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को एक प्रकार से समाज ने खुलासा दिया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार चार साहबजादों के लिए जिन्होंने उस कालखंड में उस बर्बर आतंकी अत्याचारी सत्ता को चुनौती देते हुए अपने आप को बलिदान किया था, उनकी स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए आज पूरे देश के अंदर इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज का अवसर हम सब के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इसी बात के लिए आह्वान करूंगा कि अपने पूर्वजों, अपने पूज्य गुरुओं, पूज्य संतों और महापुरुषों की प्रेरणा हम सबको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, इस विश्वास के साथ यहाँ पर मुझे प्रसन्नता है कि इतना प्रातःकालीन सत्र में भी मुझे 10 बजे बाहर निकलना था। मेरे सामने जब बात आई तो मैंने कहा बहुत दिनों से मैं जगत शंकर गुरुद्वारा जा भी नहीं पाया हूँ, इसी बहाने कार्यक्रम में भी भाग ले लूंगा और गुरु महाराज के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त करूंगा। आप सबके साथ इसी बहाने संवाद का एक अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबसे यही कहूंगा कि सिख गुरुओं की जो परंपरा है वह एक नई प्रेरणा प्रदान करती है देश और समाज को। हम उन सब का अनुसरण करें और अपने देश और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को उनके शहीदी दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आप सब उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। बोले सो निहाल। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मेरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर अध्यक्ष जी बहुत बहुत, रविंद्र प्रताप सिंह राजू भाई बहुत बहुत, विष्णु शंकर श्रीवास्तव जी मेरे मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है मल जी मेरे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, छठीदार जी बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद हरि गुप्ता जी और अतुल श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, अमर दास दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे छोटे खड़ा है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस आज थी और गुरु तेग बहादुर जी के साथ में सभी सिख गुरुओं का हिंदू समाज की रक्षा के लिए बड़ा योगदान रहा है। इसके प्रति अपनी एक भाव प्रकट करने के लिए पूज्य महाराज जी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और यहाँ पे उनकी उन पुण्यात्माओं को सत सत नमन करते हुए और उनके दिखाए गए मार्ग पे चलने के लिए यहाँ के लोगों को आह्वान किया था। ऐसा है कि आज जो है सिखों के नवे गुरु, हिंद की चादर, शहीदों के सरताज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व यहाँ पर श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा था। इसी उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार इस अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये हम लोग के लिए बड़े गौरव की बात है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इस स्थान से बहुत स्नेह है हम लोग के प्रति। वो हर हमारे हर सांसद रहते समय तक
हर हमारे समारोह में आते थे, सम्मिलित होते थे और हमको हर तरह का सहयोग करते थे। परंतु मुख्यमंत्री बनने के बाद संजोग नहीं बैठ रहा था, वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने समय दिया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम लोग को कुछ आश्वासन भी दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आश्वासन जो हमने उनसे डिमांड की है वो पूरी होगी। क्या कहा उन्होंने? कहा देखेंगे इसको, ये हमारे ये स्कूल का मामला, स्कूल पर गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है, इसके लिए हमने कहा नानक निवास के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे इसको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाल विवाह और दहेज कुप्रथा के खिलाफ सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। दहेज मुक्त शादियों, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों से जुड़कर हम सभी दहेज कुप्रथा व इससे जुड़ी अन्य कुरीतियों के समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी सोमवार को चंपा देवी पार्क मैदान में 1000 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों से बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके घर में कन्याओं की शादी बड़ी समस्या थी, कई कन्याएं कुंवारी रह जाती थी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी तो इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रति जोड़े की शादी हेतु पहले 31,000 और फिर बढ़ाकर 51,000 रुपए की धनराशि तय की गई। प्रदेश में अब तक करीब 2,00,000 शादियां इस योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही है। समाज के हर सबके को बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया था, वह आज प्रदेश में मूर्त रूप में नजर आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 1,000 रुपए की दर से वृद्धा, निराश्रित, दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को कोरोना काल से मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने निजी संसाधन से अपनी बिटिया की शादी का आयोजन किए जाने पर उनका व मंच पर मौजूद सांसदों, विधायकों का शामिल हो पाना मुश्किल होता, पर सामूहिक विवाह के इस भव्य कार्यक्रम में वह स्वयं आए हैं। सांसद, विधायक, महापौर भी मौजूद हैं। इससे वैवाहिक सूत्र बंधन में बंध रहे जोड़ों के परिजन तो गर्व की अनुभूति कर ही रहे होंगे, वह खुद और सांसद विधायक भी यहां आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवयुगलों को श्री राम जानकी के विवाह की पावन स्मृतियों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि आज विवाह पंचमी है, इसी तिथि पर भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। आज की तिथि में यह कार्यक्रम होने से हम सभी हजारों वर्ष पहले श्री राम जानकी विवाह की पावन स्मृतियों से भी जुड़ रहे हैं। यह खुशनुमा और सौभाग्यशाली माहौल है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित इस समारोह में 1,000 से अधिक जोड़े विवाह के पावन बंधन में बंधे। 9 युगलों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी 9 दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंच से 14 नवयुगलों को प्रमाण पत्र और उपहार किट भेंट किया। इसमें अल्पसंख्यक जोड़े भी शामिल रहे। प्रमाण पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री ने जोड़ों से आत्मीय संवाद भी किया। सामूहिक विवाह समारोह में सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जन कल्याणकारी कार्यों की नजीर पेश कर रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम इसी का हिस्सा है। हर धर्म बिरादरी के गरीबों की बेटियों की धूमधाम से शादी कराने के साथ सरकार उन्हें गृहस्थी बसाने का सामान भी दे रही है। इस अवसर पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, महेंद्र पाल सिंह, श्रीराम चौहान, डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई सहित प्रशासन, पुलिस, समाज कल्याण आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ल ने कहा, अगर आपके बेटी के बाप है, एक बहन के बाप, मैं विशेष निवेदन करता हूं कि गाड़ी आप लोग हटा लीजिए, नहीं हटाएंगे तो गाड़ी के साथ योजना निदेशक है और आदरणीय श्री राजमणि वर्मा जी जो जिला धनीगढ़, मैं सभी का एक बार सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्यादा व्हाट्सएप पर आप सक्रिय रहते हैं लोगों के लिए, तब इतना बड़ा परिणाम आपके साथ कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज आपको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्र,
मंच पर उपस्थित माननीय खजनी श्री श्री राम चौक में डॉक्टर विमलेश पासवान जी उपस्थित हो चुके हैं। माननीय विधायक महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस शुभ कार्यक्रम में 11 आज 1000 जोड़ों को अपना आशीर्वाद हम मंच पर करते हैं। और 10,000 रुपए का सामान है और 6,000 रुपए खर्चे पर है, टोटल 51,000 रुपए है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं आज के इस कार्यक्रम में। अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सनातन और वैदिक संस्कृति के संवाहक मंच पर उपस्थित समाज के कल्याण के लिए अनवरत संकल्पित उद्यमी महोदय एवं व्यक्तित्व की वंदनीय काया जो तकनीकी और विकास की श्रृंखला के साथ साथ भारतीय संस्कृति की गौरवशाली व्यवस्था पर है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए हम सर्वप्रथम माननीय सांसद दल से अनुरोध करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम साफा पहना करके आप अपने स्तर कमलों से संरक्षक के रूप में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लोकप्रिय सांसद गण की उपस्थिति में उनके कर कमलों से साफा पहना करके वर वधु के अभिभावक एवं संरक्षक के हो रहे इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हमारे इन 9 वधुओं को आशीर्वाद देते हुए स्वागत को उद्बोधन दें माननीय सांसद महोदय से अनुरोध। पूज्य महाराज जी आपके चरणों में महाराज जी वंदन अभिनंदन जितना कह उतना कम था। महाराज जी हमने सब गरीबी से आए रही तो हमने के मालूम था कि ना पैसा रह दिया करे खातिर हमार दिया तो मत पूछा। चार लोग रहना हमें भी आए आज देखा थे यार हजारों हजारों लोग पूज्य महाराज जी स्वयं पाड़ा ना हमारे बाबू के लगे पैसा रहा ना हमारे ससुराल वाला लोग। महाराज जी वो एक अलग कहानी बा क्योंकि समय आपके भी जाए के बाद प्रचार में उनके समय ना दे माननीय सांसद कमलेश पासवान जी बांसगांव श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर गोरखपुर माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक अभिरंजन विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण महेंद्र पाल सिंह विधायक विधायक जी राजेश त्रिपाठी जी विधायक चेलीपाल डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव श्री राम चौहान जी विधायक रजनी श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवाल श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष भाजपा और कालीबाड़ी जी के बाबा जी के प्रणाम कर। तो भैया वो आज सब जितना भी बिया जी लोगन का होता अनगिनत जिले से सब लोग आए बड़ा और आज पूरा देश देख रहा है कि 1000 जोड़ों का आज यहाँ शादी हो रहा है। पूज्य महाराज जी की ये सरकार ये डबल इंजन सरकार एक ऐसा नजीर पेश कर रही है कि आज यहां हर धर्म के लोग की शादी हो रही है, आज यहां हर बिरादरी के लोगों की शादी हो रही है। और ऐसे गरीब लोग ऐसे माता पिता हमारे पास भी आते हैं सांसद के रूप में कि हमारे पहले ही के मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दहेज के पैसे नहीं, मेरे पास संसार मेरा घर संसार कैसे बचेगा वो पैसे नहीं। तो आज ये सारे लोग दिल से आप लोगों के हम शुभकामना दें। एक बहुत बड़ा दिन होता है, एक संसार बसता है, आप लोगों का घर गृहस्थी कहा जाना ना हमारा ब्याह हो जाएगा, हमारे बेटी का ब्याह। हम 3 बेटी के पिता और एक पिता के रूप में हमको आज लगा था कि एक बेटी का जब ब्याह होगा उससे सुंदर कुछ नहीं होता एक माता पिता के लिए, वो अपने जीवन में चली जाती है, अपने दूसरी गृहस्थ में चली जाती है। आज वो दिन हो रहा है तो राज्य सरकार और ये पावन धरती गुरु गोरखनाथ की गोरखपुर में हो रहा है 1000 जोड़ों की शादी हो रही है। करीबन 5,10,00,000 रुपए का जो खर्च 5,10,00,000 रुपए का खर्च हो रहा है उकरा में जोन जोन आज सब लोगों के सामान मिला था उस सामानों जान ला हो एक एक लोगों के मिला था हो साड़ी कढ़ाई मैरून कलर का मिली है डेली यूज का साड़ी पेटी कोट चुनरी मैरून कढ़ाई मिली कुर्ता पैजामा मिली दुल्हा के पगड़ी भावर हेतु फोटा तथा पाला चांदी की पायल बिछिया मिली
हाकिम स्मूकर मिनी लीटर लोटा स्टील थाली स्टोरी पूरा एगो घर का सामान ना कि सिर्फ आपका सामूहिक विवाह हो रहा है। पूज्य महाराज जी की आप लोग अपन ग्रह गृहस्थी काल घोड़े से आप लोग सजा सकते हैं। एक पिता का आपका एक बोझा हल्का हो जाता है। आज जो सारा एक अभिभावक के रूप में एक मुख्यमंत्री के रूप में एक संत के रूप में जो कर रहे हैं महाराज जी, रोज एक तोहफा रोज एक नजीर पेश कर रहे हैं। आज हम सब लोग महाराज जी ऋणी हैं, जैसे ही हमारे माननीय विधायक जी ने कहा था चिंदूपाल की, आज आप लोगों के बिहार में स्वयं पूज्य महाराज जी हैं। हमनी के बिहार में केहू नहीं आए, हमारे बिहार में केहू नहीं आए। लगा कि उस टाइम मेरा नाम नहीं था, पैसा नहीं था। आज बिहार में शादी पूरा सांसद विधायक पूरा देखा, दर्जनों यहाँ बैठे। आज हम थोड़े भाव भी हैं, बहुत सारी चीज से 20 साल से हमारा सपना था, महाराज जी ने जिसको आशीर्वाद दिया है, तो बस हम इतना का धन्यवाद। और जितना आए हैं सब लोग बिया साथ शादी में, सब लोग दोनों हाथ सब लोगों का उठा ला, सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बिया के समय सब लोग हाथ उठा के बोलो नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। बिया होता हो महादेव का नाम खुशी से लीजिए, दिल से जोर जोर बोलो नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। आप लोग का बिया बड़ा अच्छे से हो, प्रसन्न रहे, बाल बच्चा हो, खुशहाली रहे आप लोगों के जीवन में। भारत माता की जय, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। और दिल से हमारे महाराज जी के आभार, दिल से महाराज जी हम लोग धन्य है आपको पाके, उत्तर प्रदेश की धरती धन्य है आपको पाकर महाराज जी। रजनीश जी को और आप सभी तालियों के साथ इस क्षण को अभिभूत करें, नव वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री महोदय रही है। इसके पश्चात सुनीता जी वधु सुनीता मुख्यमंत्री महोदय के साथ यह शुभ क्षण कि अपने नव वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय संरक्षण प्राप्त करते हुए उपहार एवं अपने वर श्री विजय जी इसके पश्चात एक उपहार। यह सौभाग्य का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार मंच पर प्राप्त कर रहे हैं अपने श्री प्रवीण जी को कि आप मंच पर आए। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे वधु और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्वर्ण जीवन के लिए उपहार को प्राप्त करते हुए अपने विवाह का सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके पश्चात सीम अपने विवाह का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए जनपद गुरु इस विवाह पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे धर्मेंद्र जी को अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करें। पीछे जाओ पीछे जाओ। अनिशा जी को ये आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसी क्रम में मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने विवाह का प्रमाण पत्र एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनके वरदहस्त के रूप में जी एवं वर अनिल कुमार जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों में से वर अनिल कुमार एवं प्रेम लता जी एवं वर मोहम्मद कलीम अल्लाह जी अपने निकाह के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार प्राप्त करने के लिए को सादर धन्यवाद देते हुए हम आमंत्रित करेंगे अफरीदा खातून जी एवं राशिद जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात खुशी का दिन है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज विवाह पंचमी भी है,
भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह आज ही के दिन हुआ था और आज गोरखपुर में 1000 से अधिक जोड़ों को विवाह बंधन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं। आप सबका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, इसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से सांसद श्री कमलेश पासवान जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कैंपियरगंज से विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराई से विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, चिल्लूपाल से विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव से विधायक डॉक्टर विदेश पासवान जी, खसनी से विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, सहजनवा से विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विश्व सिंह जी, आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के वे सभी परिवार के सदस्यगण जिनके परिवार और बालक और बालिकाएं आज यहां पर वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं, आप सभी को मैं विवाह पंचमी के अवसर पर इस पावन आयोजन के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब हम लोगों ने उस समय गरीब कन्याओं की शादी को, बहुत सारी कन्याएं ऐसी थी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब ये बात मेरे सामने आई तब तो मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले 31,000 रुपया और बाद में इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 रुपया करके एक एक बालिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में लगभग 2,00,000 बालिकाओं की शादी इस सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में ही विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर 1,000 से अधिक बालक और बालिकाएं वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं। समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप सब जानते हैं प्रदेश में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिन्हें हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से 1,000 रुपए प्रतिमाह यानी 12,000 रुपए सालाना हम प्रदेश और केंद्र की दोनों डबल इंजन की सरकारें उन परिवारों को देकर के उनका संभल बनने का कार्य करती है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना काल खंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। आज भाइयों बहनों आपने देखा होगा विकास तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है कि समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। आपने भी देखा है मंच पर जो बालक बालिकाएं, मेरी तो हार्दिक इच्छा थी आप सबके बीच में आने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लोगों के कार्यक्रम वहां कर्मकांड के सभी संपन्न हो रहे हैं, तो यहां पर कुछ जोड़े मंच पर ही आए थे और मैं देख रहा था
हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़े हुए लोग उसमें थे। ये समाज में बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। सरकार बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी। और आज उसी मनसा के अनुरूप जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था, सबका साथ और सबके विकास का, उसका एक मूर्त रूप इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न करना है। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि परिवार के लोग यहाँ बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष और उमंग के साथ इस पावन तिथि पे एकत्र होकर के इतने बड़े आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है वे बालक और बालिकाएं, वे परिवार के लोग अपने को इस बारे में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके पास संसाधन होते, हो सकता है कि आप अपने परिवार के नातेदार रिश्तेदार के साथ घर में शादी का कार्यक्रम कर पाते, लेकिन तब मैं या मंच से जुड़े हुए लोग आपके कार्यक्रम में भागीदार हो सकता है नहीं बन पाते, क्योंकि कठिन होता है एक एक घर में जा पाना, एक एक व्यक्ति के साथ वहां पर संवाद बनाना इस प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन आज ये हम सबके लिए गौरव की बात है, इतने बड़े आयोजन के साथ आपका ये विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभिभावक और परिवार के सदस्यों को भी इसमें खुशहाली होगी कि मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर हमारे सभी सांसद और विधायक बन आए हैं, महापौर जी आए हैं, सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सबकी शुभेच्छा आपके साथ में है। और आप जो संकल्प आज यहाँ पर लेंगे, न केवल अपने वैवाहिक जीवन का, बल्कि हम बाल विवाह को नहीं होने देंगे, हम दहेज मुक्त वैवाहिक कार्यक्रम को ही प्रश्रय देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। दहेज जैसी कुप्रथा का हम समाधान करेंगे, उसका पूरी तरह समाधान करने के समय प्रसन्न होंगे। और समाज में अगर कहीं कोई कुप्रथा है, समाज में अगर कहीं कोई विकृति है, उसे दूर करने में सभी लोग अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर 1000 से अधिक जिन जोड़ों का आज यहाँ पर वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मैं फिर से अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप सबका वैवाहिक बंधन का एक कार्यक्रम, हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन के साथ जुड़ी हुई स्मृतियों को ताजा कर देता है। और मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ। आज कालीबाड़ी के बाबा यहाँ आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे स्वयं यहाँ पर रह करके सभी जोड़ों को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए वहां जाएंगे और उन लोगों के साथ जोड़कर उन लोगों को आशीर्वाद दे करके और यहीं पे आज दोपहर का भोजन उनके साथ में वे यहीं पे पाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं भोजन पाएंगे। उनके साथ में उनके शिष्य फतेह बहादुर सिंह जी रहेंगे, रवि किशन जी अगर रहना चाहेंगे तो वे भी उनके साथ रह सकते हैं, नहीं तो सीताराम भी उनके साथ में रहेंगे। तो ये सभी लोग यहाँ रहेंगे, पुष्पतम जैन जी भी यहाँ पर है, ये सभी लोग रहेंगे। कितना खुशनुमा माहौल है आप लोगों के लिए और सौभाग्यशाली माहौल है, इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सियाराम की, बोले सीताराम की, हर हर महादेव। माता पिता सबके कुल उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आकांक्षाओं को सदैव पूरित करने के लिए तत्पर रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय सांसद, हमारे लोकसभा सांसद सदन, माननीय सांसद बांसगांव एवं समस्त माननीय जनप्रतिनिधि को एक बार आप सबके बीच में जा रही है अपने शुभाशीष प्रदान करने के लिए। कन्या के माता पिता स्थान ले लें, कन्या के
प्रोदम शांति शांति शांति। चलिए अक्षत को अक्षत में मिला लें, फिर कन्या के माता पिता हाथ में अक्षत में और अपनी कन्या का हाथ रख लें हाथ में। श्री बंसीधर जायसवाल जी, राधे मोहन श्रीवास्तव जी और विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर विमलेश पासवान जी, ये सभी लोग श्री प्रवीण शास्त्री जी जो हमारे गोरखपीठ के आचार्य जी हैं, ये लोग गणेश उपस्थित हैं। हरि ओम मा अग्निन्दो तम पुरो दधे हव्य बाहु मुपब्रुवे देवान आसादया दिह। जब स्वाहा बोला जाएगा दिगुं हवा महे निधि नान्वा निधि प्रति गुं हवा महे पशु मम आहम जानि गर्वधमा तम जासि गर्वधम्मा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिगन्ना इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा, ओम तन्नो अग्रे वरस्य विद्वान् दिवस्य हेण अरिष्मादी शिष्टाः वसिष्ठो वंदनो वर्णराणो यहि सैदं ब्रह्मचक्रं पातु तस्मै स्वाहा। यज्ञो गन्धर्व तस्या दशगा अपदृष्टा भवानदाभ्य स्वाहा। ॐ प्रजापतये बहुत बड़ा तोहफा भाई समस्त धर्म के लोग सर्व धर्म लोगों के का चल रहा है। तो ये महाराज जी कई सोच बा आज, और कितने गरीबों का आज कल्याण हो रहा है। बहुत बड़ा आज ही बहुत बड़ा दिन, दू दू तोहफा मिल गई। आज एगो सामूहिक विवाह होता है, एगो फिल्म सिटी का तोहफा मिल गई। आज महाराज जी ने इतना खुश किया हम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज यहाँ पर ये गरीबों का कल्याण हो रहा है। ये वो गरीब बेटी और बच्चा लोग हैं, ये लोग के पास पैसा नहीं था माता पिता के पास, आज एक ही छत के नीचे और हर धर्म के, आज यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, हर बिरादर है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा आज एक संदेशा पूरे भारत में जा रहा है, सामूहिक विवाह और रीजनल फिल्म सिटी, भोजपुरी फिल्म सिटी जो 100 एकड़ में बनने जा रही है। तो महाराज जी ने आज बहुत ये भव्य काम किया है, बहुत बड़ी। आज लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा फिल्म सिटी से, अनगिनत कारीगर, अनगिनत रवि किशन पैदा हो गया। हम तो दर दर ठोकर खाएं, अब लोग ठोकर नहीं खाएंगे, अब अपने माई बाप बिहार यूपी के लोग जो बंबई में रहते हैं सब आएंगे। और महाराज जी सबसे बड़ा तोहफा ये दे रहे हैं कि सस्ते दामों पर उनको मकान भी मिलेगा, उनको रहने के लिए यहाँ बसाएंगे भी, यहाँ काम करिए, यहीं कमाइए खाइए। ये बहुत ऐतिहासिक है, ये बहुत ऐतिहासिक है। ये मतलब कि कौन देता है गरीब का, कौन ध्यान देता है। आज 1000 जोड़ा, मतलब सोच रहे हैं आप, और 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया एक पर खर्च होगा, और ये सब डबल इंजन की सरकार, पूज्य महाराज जी, ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच के वजह से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पिपराइज थाने की पुलिस ने तमंचे पर डिस्को करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में पिपराइज थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सैयद अली पुत्र मोहम्मद हसन निवासी पतरा बाजार थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पिपराइज थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने शादी समारोह में भोजपुरी सॉन्ग चली समियाना में आज तोहरे चलते गोली पर तमंचे पर डिस्को करके नागरिकों में दहशत पैदा किया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइज थाना प्रभारी सूरज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। Thank you.
एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 600 लोगों की सुनी समस्या, फरियादियों को दिया भरोसा, कहा सबकी समस्या का समाधान है सरकार की प्राथमिकता। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। जटाशंकर गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी, कहा धर्म संस्कृति व राष्ट्रीयता की रक्षा के प्रति आग्रही बनाती है सिख गुरुओं की परंपरा। गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। एक हजार से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए सीएम योगी, नौ दंपतियों को दिया आशीर्वाद, कहा बाल विवाह व दहेज कुप्रथा के खिलाफ ले संकल्प। सामूहिक विवाह योजना के जरिए प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक शादियां करा चुकी है सरकार। चली सामियाना में आज तोहरे चलते गोली, भोजपुरी सॉन्ग पर तमंचे पर डिस्को करना युवक को पड़ा महंगा। पिपराइज थाने की पुलिस ने युवक पर दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। हत्या करने वाली महिला सहित 3 अभियुक्त सोनू गुप्ता, कमलेश गुप्ता एवं गीता देवी के ऊपर सहजनवा थाने के पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। आईएमए गोरखपुर के सचिव पद का चुनाव अगले आदेश तक हुआ स्थगित। आईएमए के सचिव डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने कहा बुधवार को आईएमए गोरखपुर के जनरल बॉडी मीटिंग के बाद चुनाव की तारीख की जाएगी घोषणा। जो राम को लाए हैं गाने से देश भर में लोकप्रिय गायक कन्हैयालाल मित्तल ने गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन, कहा राम और संत योगी के मिलन से लोकप्रिय हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना, राजनीति नहीं धर्म और संस्कृति से है मेरा सरोकार। आर्मी अग्निवीर स्पेशल ट्रेन चलाने पर पूर्वोत्तर रेलवे के 2 अधिकारी, उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक आलोक कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। कहा अग्निवीर भर्ती स्पेशल ट्रेन चलाने के अनुरोध पर पूर्वोत्तर रेलवे ने तत्काल सहजनवा से वाराणसी सिटी तक अग्निवीर के नाम से चलाई स्पेशल ट्रेन, हजारों प्रतियोगियों को मिली सहूलियत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक महिला समेत 3 हत्यारों के विरुद्ध थाना सहजनवा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सहजनवा क्षेत्र में हत्या करने वाले एक महिला समेत 3 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सहजनवा पर मुकदमा दर्ज था, जिसमें अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र रोहित निवासी बरईपार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा कमलेश पुत्र केशव गुप्ता निवासी ग्राम तिलौरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर व तीसरी अभियुक्ता गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र उर्फ मन्नू निवासी भैसला निवासनी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी गोरखपुर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त सभी की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के सक्रिय और संगठित अपराधियों के गिरोह के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना सहजनवा पे एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। उल्लेखनीय है इस गैंगस्टर एक्ट में 3 अभियुक्त हैं, गीता देवी जिसने कि अपने पति की हत्या अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के करवाई थी और उसके 2 अन्य साथी इनके अभियुक्तगण की सूची में शामिल है। इस अभियुक्त के अंतर्गत उनकी संपत्ति की जांच करके उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जाएगी। आईएमए गोरखपुर के सचिव पद का चुनाव स्थगित हुआ, जिसके संबंध में आईएमए के सचिव डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने बताया कि आईएमए एक लोकतांत्रिक संस्था है, हम लोगों को आभास हुआ कि हमारे सदस्यों को वोटिंग में किसी तरह की दिक्कत है। आपको बता दें कि रविवार को महिला डॉक्टरों का एक निजी होटल में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसमें सभी महिला डॉक्टर व्यस्त थी, जिससे वोट डालने में उनको दिक्कत आ रही थी। वहां पर भी बूथ बनाया गया था, फिर भी वोट डालने में महिला डॉक्टरों को प्रॉब्लम आ रही थी और मतदान प्रभावित हो रहा था, जिसको देख
देखते हुए आईएमए के अध्यक्ष के निर्देश पर अग्रिम आदेश तक चुनाव को स्थगित कर दिया गया। आगे बुधवार को सीतापुर हॉस्पिटल में आईएमए गोरखपुर के जनरल बॉडी मीटिंग के बाद चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएमए के सचिव डॉक्टर बी एन अग्रवाल ने कहा, मैं डॉक्टर बी एन अग्रवाल, वर्तमान सचिव आईएमए गोरखपुर। देखिए, आईएमए एक बहुत लोकतांत्रिक संस्था है, पढ़े लिखे लोगों की संस्था है, तो कहीं भी हम लोगों को इस बात का अगर आभास हो जाता है कि हमारे सदस्यों को वोटिंग के प्रोसेस में कोई समस्या आ रही है, तो हमें ऐसा लगा कल, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी महिला डॉक्टर्स हैं उनका रेडिसन ब्लू में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी स्टेट लेवल की, और सभी लोग उसमें व्यस्त थे। हालांकि हमने वहाँ भी बूथ बनाया था, लेकिन वह चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जब मतदान का समय हुआ, तो ऐसा लगा कि इससे मतदान प्रभावित होगा या फिर उनकी कार्यशाला जो भी ट्रेनिंग की वो प्रभावित होगी। इसको निर्णय में रखते हुए हमारे अध्यक्ष डॉक्टर श्री शंकर साही के निर्देश पे कल मैंने ये सूचना दी कि हम लोग अग्रिम सूचना तक अपने चुनाव को स्थगित रखेंगे। अब आगे हम लोगों ने बुधवार को एक हम लोगों की GBM होनी है सीतापुर आई हॉस्पिटल में, वहाँ ये डिसाइड किया जाएगा कि अगली तिथि क्या हो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग सजने लगा है, जैसे गानों से पूरे देश में धूम मचाने वाले राजस्थान मूल के भजन गायक कन्हैया लाल मित्तल ने कहा है कि उनका सरोकार राजनीति से नहीं सिर्फ धर्म, संस्कृति और धर्म की बात करने और उस राह पर चलने वालों से है। यूपी के विधानसभा चुनाव में मेरा गाना जो राम को लाए हैं भी इसी उद्देश्य में समाहित था। कन्हैया लाल मित्तल सोमवार को डुमरियागंज के एक कार्यक्रम में रवाना होने से पूर्व गोरखपुर में थे। गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर विधि विधान से पूजन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मित्तल ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जो नेता धर्म की बात करेगा उसकी बात दुनिया तक पहुँचाऊंगा। इसी संकल्प के अनुरूप श्री राम की शक्ति से ही उनका गाना राम और संत योगी आदित्यनाथ के मिलन के चलते लोकप्रिय हुआ। गाना हम तो राजनीति से इतर गाते फिरते हैं, ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। कन्हैया लाल मित्तल ने कहा कि वह पहली बार गोरखपुर आए हैं, यहाँ गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन कर तथा इस शहर के विकास को देखकर अभिभूत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि एक निस्वार्थ संत से श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता कोई और नहीं हो सकता। सहजनवा फिजिकल एकेडमी के संचालक आनंद कुमार यादव फौजी के द्वारा पहली बार आर्मी अग्निवीर स्पेशल ट्रेन चलाने पर पूर्वोत्तर रेलवे के दो अधिकारी उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक आलोक कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में आनंद कुमार यादव फौजी ने बताया कि गोरखपुर और देवरिया के अग्निवीर आर्मी में जाने वाले प्रतियोगियों के लिए वाराणसी तक अग्निवीर भर्ती स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्रशासन को पत्र दिया गया, जिसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पत्र को स्वीकार करते हुए सहजनवा से वाराणसी सिटी तक अग्निवीर के नाम से ट्रेन चलाई गई। इस अवसर पर कुश कुमार, आकाश, नीतीश गुप्ता, अजय कुमार, संदीप यादव, सचिन ऋषिकेश तथा क्रिकेट कोच अजीत यादव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा फिजिकल अकेडमी के संचालक आनंद कुमार यादव फौजी ने कहा, मैं आज अपडेट करता हूँ, डिवीजन से बोला तो था कि अपना देख लो भाई तुमको क्या डेट देनी है, कह तो रहे थे कि नहीं लेनी है, मैंने कहा डेट तुम बताओ, डेट डिवीजन बताता है तो मैं बात करता हूँ, ठीक, मैं बात करके बताता हूँ, आई होप कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो ले लेना चाहिए लोगों को, मैं बात करके बताऊँ। खाली बैठे चलाते हो आप? अच्छा।
शुक्रिया जी सर। यहाँ तो आप मतलब उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप अपने शौक के लिए कर रहे हो। एक बार सब लोग बोलिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम कुश कुमार सिंह, एके फौजी सर के मैं दायहात हूँ और मैं सहयोग सर के साथ करता हूँ। हमारे एके फौजी सर की वजह से सेना के बहुत बच्चे लोग इस बार आर्मी में रेस निकाले हैं। और बच्चे पहले भर्ती होती थी बहुत मतलब भीड़ भाड़ जाते थे, स्पेशल ट्रेन से जाते नहीं थे। अब सर के साथ मतलब सर सहयोग किए और बच्चे उनके बच्चे ने सहयोग दिया और यहाँ पे स्पेशल ट्रेन चलाया गया और बच्चे हुए। कैसा सफर आप लोग का? बहुत अच्छा हुआ बच्चे के साथ। हाँ, और बहुत अच्छा था सर जी, हम बहुत अच्छे आराम से गए, बच्चे आए और दूसरे साल से इस साल बहुत अच्छे सिलेक्शन भी हुए हैं। और हमारे एकेडमी कम से कम 200 बच्चे थे, इसमें से सर 40 बच्चे आर्मी में रेस निकाले हैं। अभी तक जब रिजल्ट आएगा तो तब पता चलेगा। मेरा नाम आनंद कुमार यादव, एके फौजी सजनवा से है। सजनवा फिजिकल एकेडमी के संस्थापक हैं हम, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं निःशुल्क। सर ये आज कार्यक्रम था जो बच्चों की यहाँ पर हमेशा जब भर्ती चलती है तो वहाँ पर असुविधा ये होती है कि वहाँ इनको जाने वाले के साधन की बहुत दिक्कत होती थी। तो पिछली बार जो पेट के एग्ज़ाम हुए थे उनकी जो समस्याएं देखा गया कि भाई इतने सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो मन में आया कि कुछ किया जाए, देखा जाए कुछ हो सकता है कि नहीं यहाँ पर। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया रेलवे को और वहाँ उनसे रिक्वेस्ट किया पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय में जा कर के, तो वहाँ पर सुनी गई बात। तो उन्होंने हमारे अनुरोध पर हम लोगों के तो 15 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2022 तक सजनवा से वाराणसी के लिए ट्रेन डिमांड किया गया था, दो ट्रेनों का। तो बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों की डिमांड वो मान लिए और 15 से 20 तक उन्होंने ट्रेन चलाया। तो इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देने के लिए आज एकत्र हुए थे हैं। और श्री आलोक कुमार सिंह साहब जो मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक है, उनको हम लोग मिल करके उनको धन्यवाद किए। सब बच्चे बड़े खुश हैं और उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि आगे भी अगर कोई समस्या होती है यात्रा परिवहन में तो हम बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और ट्रेनें आगे भी चलाई जाएंगी। आपके से कितने बच्चे तक यहाँ से ले गए? जी सॉरी, कितने बच्चे यहाँ से गए आपका? यहाँ गोरखपुर से टोटल 30,000 बच्चे गए हैं सर, 29,000 गोरखपुर देवरिया मिला करके 29,700 लड़कों की भर्ती में थी और शायद 28,000 के आसपास बच्चे भर्ती में गए थे, जो कि बहुत बड़ी, अभी तक इतिहास में कभी ट्रेन नहीं चल पाई थी। तो पहली बार अच्छी शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और बच्चों का रिस्पांस बहुत बढ़िया था और एक माहौल बनेगा तो सरकार भी बच्चों की बात सुनेगी, आगे भी ट्रेन चलाने की माध्यम बनेगा। उस जिस किसी को भी ट्रेनिंग करना है या कुछ गाइडेंस लेना है वो सजना फिजिकल एकेडमी के चैनल पे आ करके वहाँ पर निःशुल्क वहाँ पर कोई भी गाइडलाइंस ले सकता है। कुछ भी जो पूछना है फौज के बारे में, जो भर्ती के बारे में, आप वहाँ पर आइए, एके फौजी के नाम से वहाँ पर चल रही है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल मदद की जाएगी। कोई प्रॉब्लम भर्ती में है, कोई गेम का बच्चा है या कोई भी उसको रनिंग में समस्या है या उसको पढ़ाई में समस्या है, भरपूर उसकी मदद की जाएगी, हम वहाँ पर मदद करने के लिए हैं। तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग वहाँ पर आइए और अपना लाभ उठाइए, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 600 लोगों की सुनी समस्या, फरियादियों को दिया भरोसा, कहा सबकी समस्या का समाधान है सरकार की प्राथमिकता। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। जटाशंकर गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी, कहा धर्म संस्कृति व राष्ट्रीयता की रक्षा के प्रति आग्रही बनाती है सिख गुरुओं की परंपरा, गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। एक हजार से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए सीएम योगी, नौ दंपतियों को दिया आशीर्वाद, कहा बाल विवाह व दहेज कुप्रथा के खिलाफ ले संकल्प, सामूहिक विवाह योजना के जरिए प्रदेश में अब तक 2,00,000 से अधिक शादियां करा चुकी है सरकार। चली सामियाना में आज तोहरे चलते गोली, भोजपुरी सॉन्ग पर तमंचे पर डिस्को करना युवक को पड़ा महंगा, पिपराइज थाने की पुलिस ने युवक पर दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। हत्या करने वाली महिला सहित तीन अभियुक्तों सोनू गुप्ता, कमलेश गुप्ता एवं गीता देवी के ऊपर सजनवा थाने के पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी।
गोरखपुर के सचिव पद का चुनाव अगले आदेश तक हुआ स्थगित। आईएमए के सचिव डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने कहा, बुधवार को आईएमए गोरखपुर के जनरल बॉडी मीटिंग के बाद चुनाव की तारीख की जाएगी घोषणा। जो राम को लाए हैं गाने से देश भर में लोकप्रिय गायक कन्हैयालाल मित्तल ने गुरु गोरखनाथ का किया दर्शन पूजन। कहा, राम और संत योगी के मिलन से लोकप्रिय हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना। राजनीति नहीं धर्म और संस्कृति से है मेरा सरोकार। आर्मी अग्निवीर स्पेशल ट्रेन चलाने पर पूर्वोत्तर रेलवे के दो अधिकारी उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक आलोक कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। कहा, अग्निवीर भर्ती स्पेशल ट्रेन चलाने के अनुरोध पर पूर्वोत्तर रेलवे ने तत्काल सहजनवा से वाराणसी सिटी तक अग्निवीर के नाम से चलाई स्पेशल ट्रेन। हजारों प्रतियोगियों को मिली सहूलियत। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।